नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जो आपको चौंका देगी। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि 2020 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस को प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेट करने के बारे में तो गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन इसको फैसला सोच समझ कर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्राइवेट किए जाने के कई बेनिफिट हैं और कई लॉसेस भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत के सबसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से मानी जाती है और यहाँ देश विदेश से और भारत के अलग अलग स्टेट से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और फॉरेन कंट्री से भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले सिर्फ 3 कॉलेज हुआ करते थे, अब लगभग 79 कॉलेजेस हैं, या मान लीजिए उससे ज़्यादा भी कॉलेज हो सकते हैं। तो सोचिए इन कॉलेजेस में कितने बच्चे पढ़ते होंगे, उन सब के भविष्य का सवाल है, उन सब की एजुकेशन का सवाल है। 1922 में यहाँ सिर्फ 3 कॉलेज खुले थे, सेंट स्टीफन, हिंदू और रामजस। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई जानी मानी हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, नेहा धूपिया, ऐसी कई जानी मानी हस्तियाँ हैं जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। और ऐसे पॉपुलर फेमस कॉलेज को प्राइवेट करने के क्या क्या नुकसान है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सस्ते होने के कारण यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मॉडर्स बैकग्राउंड के या लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, और स्कूल से निकलने के बाद इन स्टूडेंट्स के पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस ये स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे, इनके माँ बाप के पास पैसा ही नहीं होगा। अगर इनके पेरेंट्स इनको पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो इनका स्कूल तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं, इस यूनिवर्सिटी में आकर अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को सोच समझ कर स्टेप उठाना पड़ेगा कि बच्चों की एजुकेशन से खिलवाड़ बिल्कुल ना हो और सबको प्रॉपर एजुकेशन और बराबर की शिक्षा प्राप्त हो सके। दूसरी बात टीचर से रिलेटेड है। जो टीचर अभी तक परमानेंट नहीं किए गए हैं, अगर उनको निकाल दिया जाता है तो बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, वे अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे? और जो टीचर्स अभी तक इनकी पे स्केल भी रिवाइज नहीं हुए हैं तो उनका क्या होगा, यह भी सोचना पड़ेगा। ये ना हो कि यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कर दिया जाए तो जो लेक्चरर्स पुराने काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए और नए भर्ती कर दिए जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ जाति और अन्याय होगा। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर 22 मई 2019 को मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट तक एक प्रोटेस्ट भी किया था प्राइवेटाइजेशन को ना किया जाए। भी स्टूडेंट स्कूल से निकल कर कॉलेज में जब आता है तो एक नए माहौल मिलता है उसको, नए दोस्त मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी में आने के बाद स्टूडेंट को फ्रीडम और एजुकेशन दोनों मिलती हैं। लेकिन जो बच्चे गरीब होंगे और इकोनॉमिक लोअर स्टैंडर्ड से आएंगे तो उनका जो है कंपैरिजन शुरू हो जाएगा अमीर बच्चों के स्कूलों के साथ, क्योंकि प्राइवेट करने के बाद इसमें कुछ ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जो कि पैसे देके पढ़ेंगे। और इन स्टूडेंट्स को अगर गवर्नमेंट एड दे भी देती है जो गरीब बच्चे हैं तो उनका स्टैंडर्ड तो लो ही माना जाएगा ना, तो अमीर और गरीब बच्चों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन शुरू होने वाला है। तो इस कंपैरिजन को भी ना शुरू किया जाए, और इसलिए इस यूनिवर्सिटी को अगर प्राइवेट किया जाता है तो इसके काफ़ी सारे नुकसान है, तो गवर्नमेंट को सोच समझ कर कोई नीति इसके लिए बनानी पड़ेगी। तो चलिए, ये तो थे नुकसान जो मैंने आपको बताए, और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर बताइएगा कि आप किसकी तरफ हैं, प्राइवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा। आप जानते हैं कि आजकल कॉलेजेस के अंदर या हर रोज़ ही देख लीजिए, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, तो एनवायरनमेंट तो बहुत ही ख़राब रहता है। तो इस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर दो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कॉलेज को प्राइवेट कर दिया जाता है तो इन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि इन कॉलेज की हालत अंदर से तो खस्ता ही है, काफ़ी पुराने बने हुए हैं। और कुछ सालों पहले तो दौलत राम कॉलेज की छत गिर गई थी जिससे एक बच्ची घायल भी हो गई थी, और इसके लिए भी प्रोटेस्ट किए गए थे। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल सकता है अगर प्राइवेट कर दिया जाए। मेरी हर वीडियो शिक्षाप्रद होती है और अवेयरनेस फैलाने वाली होती है, तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और इनको शेयर भी किया कीजिए,
ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके और हमारा देश तरक्की कर सके। पॉइंट है कैंटीन का खाना। यहाँ पर जो कैंटीन का खाना मिलता है उसकी कंडीशन तो बहुत ही पुअर है, मैंने खुद देखा है। और यहाँ पर कैंटीन का खाना खाने के लिए जब फॉरेन के या हॉस्टल के रहने वाले बच्चे आते हैं तो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि कैंटीन का खाना तो बहुत ही गंदी और पुअर क्वालिटी का है, तो उसको भी बेटर किया जा सकता है। और अगला है बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। लेक्चरार तो बहुत अच्छे हैं कॉलेज के अंदर, अगर प्राइवेट हो जाता है तो और यंग और अच्छे लेक्चरार्स भी रखे जाएंगे जिससे एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स कहते हैं कि गर्मियों में ढंग से पंखे भी नहीं चलते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी चाहिए। और कॉलेजेस के अंदर सफाई, नीटनेस बहुत ज़रूरी है, कॉलेजेस के अंदर सफाई बिल्कुल नहीं होती है, होती है लेकिन कई कॉलेजेस में तो बहुत ही गंदगी है, सफाई नहीं की जाती है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। तो ऐसे छोटे कई कई बातें हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर कॉलेजेस के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट करना है या नहीं करना है। जो भी फैसला ले गवर्नमेंट को सोच समझ कर लेना चाहिए। और आपका लोगों का क्या कहना है ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट ना हो या हो, तो जो जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे, जिसके ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उसके लिए आवाज़ उठाई जा सकती है ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके और कोई भी बच्चा शिक्षा से बिल्कुल भी वंचित ना रहे। मेरा तो यही मानना है। थैंक यू सो मच।